ब्रेक के बाद अंडमान की खबरों में आपका स्वागत है। तो एमवी कालीघाट जहाज के चालक दल ने सदस्यों और प्रशासन के जहाजरानी सेवा निदेशालय को जहाज के बिना यात्रा किए पिछले एक साल से जेटी पर खड़े रहने के मामले में अब कई सवाल उठाने लगे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक एक साल पहले एमवी कालीघाट जहाज के एयर कंडीशन सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद इसके संचालन को स्थगित कर दिया गया था। बताया जाता है कि पिछले वर्ष 24 दिसंबर को दक्षिणी द्वीप समूह सेवा के दौरान इसके इंजन में गंभीर खराबी आ गई थी और उसके बाद से ही जहाज के हेडोजेट्टी में खड़ी यानी जहाज को जेडोहेडी में खड़ा कर दिया गया था। इस जहाज को यात्रा के लिए अब एक साल पूरा होने को आ गया है, लेकिन इसमें आई खराबी अब तक सही नहीं हो पाई है। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जहाज के एयर कंडीशनर सिस्टम को ठीक करने के लिए जरूरी उपकरण पोर्ट ब्लेयर पहुंच चुके हैं और इस उपकरण को जहाज में फिटिंग करने के लिए जहाज की जल्द से कोलकाता के लिए उसे रवाना भी करने की संभावनाएं हैं। पर अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों इस जहाज को मरम्मत में भेजने में प्रशासन को इतनी देरी हुई है, और वो भी ऐसे वक्त में जब दक्षिण अंडमान के लिए अंडमान निकोबार जहाजरानी सेवा निदेशालय के पास कुछ ही जहाज बचे हैं। जब चैनल वन ने इस विषय पर जहाजरानी सेवा निदेशालय के निदेशक कप्तान रविंदर कुमार से बातचीत की तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जल्द ही इस जहाज को मुख्य भूमि पर भेजा जाएगा और मरम्मत भी कराई जाएगी।